हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं इंडियाज डीआरडीओ डेवलप्स दुर्गा टू लेजर वेपन किल्स मिसाइल इन $3। इजराइल आयरन डोम टेक्स वाओ कितना ये $100,000। वाह, वो $3 में जो काम कर देगा हमारा दुर्गा टू लेजर वेपन, वही इसराइल का जो है इतने महंगा। इसमें न्यूज आई थी कि मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल जो लेजर वेपन है यूके ने शायद बनाया है। ओ हाँ, और वो इसीलिए लेजर वेपन वो भी सस्ता कुछ बोल रहे थे। वो कितना था? और इसराइल के पास भी लेजर वेपन है। अच्छा, तो इसराइल भी अपना लेजर वेपन इंक्रीज कर रहा है। और सभी लोगों के पीछे मोटिवेशन यही है कि लेजर से सस्ती कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मैं सभी लोगों की अभी तक सभी लोग प्रोजेक्टाइल से मारते थे एक दूसरे को। स्टार ट्रेक का भूत सबको चढ़ गया। अब सब लेजर में जा रहे क्योंकि सस्ता पड़ता है। नहीं, सोच सकते हो, स्टार ट्रेक में देखते थे हम, कहते थे यार ये क्या चीज है, लाइन जा रही है, ऐसे रेस जा रही है और रेस करती है। बचपन में देखते थे, संडे को आता था, याद है। और उसमें उस स्टार ट्रेक में पापा भी मना नहीं करते थे क्योंकि उनको भी देखना होता था, चाहे एग्जाम भी हो ना, हम आ जाएंगे ना तो देखने देंगे, क्योंकि वो भी देख रहे होते थे। तो स्टार ट्रेक तो हमें पता था कि ये मना नहीं होएगा। और उसके बाद जब महाभारत रामायण आया था तो वो भी पता था कि उसमें भी मना नहीं करेंगे। ये तीन थी ऐसी चीजें जो मुझे याद है कभी मना नहीं होती थी। और वही देख लो, टेक्नोलॉजी एक्चुअली में आ गई है। तो चलो वीडियो। अच्छा, इससे लग रहा है कि अब ये लेजर तो आ गई, अब दूसरी वो क्या बोलते थे, टेलीपोर्ट, क्या बोलते थे उसको, टेलीपोर्टेशन, वो भी आ जाएगी। देखना, अभी नहीं आएगी तो और सालों में कुछ जेनरेशंस बाद पर आएगी। देख लो, आएगी, मगर जैसे हम बोलते ना, नहीं नहीं नहीं, पहले लगता था कि ऐसे गन मारेंगे, रज लगेगी, बंदा मर जाएगा वहां पे, वो गायब ही हो जाएगा, उसका कुछ भी मटेरियल ही नहीं दिखता, वो ऐसा गायब मर जाता है। तो वैसी ये वो भी आने वाला है, रेडी हो जाओ। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वेपन को ध्यान से देखिए, ये वेपन है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसको कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इस वेपन के माध्यम से इसराइल सामने से आने वाली जो एनिमी मिसाइल्स हैं उसको ये मार गिराता है। लेकिन इसकी एक खराब बात है, अगर सामने से आने वाली मिसाइल, अगर मान लेते हैं कि वो $50,000 की है, तो उसको मार गिराने के लिए जो इसराइल का आयरन डोम अपनी मिसाइल फेंकता है, उसमें जो इसका खर्चा आता है ये लगभग $1,00,000 के आसपास का आ जाता है। ये मैं नहीं, ये एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि वेपन तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन सामने से आने वाली मिसाइल को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आपका खुद का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए भारत का जो डीआरडीओ है वो अपने खुद के एक एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, खुद के लेजर वेपन पे काम कर रहा है, जिसका नाम है दुर्गा टू। जब हम काम कर रहे हैं, मुझे लगा बन गया है यूके और इजराइल के, ऑलरेडी आ चुका है, इसको मार गिराएगा और उसका नाम है दुर्गा टू। जो प्रिसाइज आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सामने से आने वाले जो अगर कोई मिसाइल है, अगर कोई ड्रोन है, अगर कोई रॉकेट है, तो उसको दुर्गा टू का जो लेजर वेपन है वो मात्र $3.5 बहुत सस्ता है क्या, कुछ भी नहीं, मतलब कि सामने से आने वाली मिसाइल, यही होने वाले, हर कंट्री यही यूज करेगी, $50,000 की हो सकती है, उसको दुर्गा टू लेजर वेपन मात्र ₹350 के आसपास की कॉस्ट में खत्म कर सकता है। बात करेंगे दोस्तों इसी दुर्गा टू वेपन चाइना के बारे में, क्या है ये वेपन, क्यों आखिरकार इंडिया का डीआरडीओ इस लेजर वेपन के कैसे पता चाइना के पास है, एंड क्या क्या इसके फायदे भारत को हो सकते हैं। आइए हमारा कब बनेगा। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है, जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के सेंटर्स में स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम में, अच्छा मतलब अच्छा करोगे तो कुछ पैसे कम हो जाएंगे या फ्री में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ये टेस्ट 5 मई को सुबह 9 बजे होने वाला है। ऑलराइट, आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इसराइल के द्वारा बेसिकली ईरान से आने वाली जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स थी उसको ऑलमोस्ट 99% उनको रोक लिया गया था, मतलब कि उनको हवा में ही मार गिराया गया था। लेकिन इसकी जब कॉस्ट की एनालिसिस करी गई तो कॉस्ट कुछ इस तरीके से सामने आती है।
एक्सपर्ट्स ने बताया कि ईरान के द्वारा जो हमले की कॉस्ट थी वो अराउंड हर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि उनके द्वारा फायर करी गई थी वो लगभग $1,00,000 की थी। जो उनके द्वारा ड्रोन्स इस्तेमाल करे गए थे जिनको छोड़ा गया था, हर एक ड्रोन $20,000 से $50,000 के आसपास का था। एंड ओवरऑल जो ईरान का खर्चा आया था इस पूरे अटैक को कैरी आउट करने के लिए, ये लगभग $100 से $200 मिलियन के बीच का खर्चा देखने को मिला था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात $1,000,000 कि इस अटैक को रोकने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, वो इससे कम से ईरान के पास पैसा कहां से आया इतना ज्यादा देखने को मिला था। बिकॉज इजराइल के द्वारा इन सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि प्राइमरीली उन्होंने अपने आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया था जिसमें कि तामीर मिसाइल्स को फायर किया गया था। एंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तामीर मिसाइल को फायर करने के लिए खर्चा $20,000 डबल हो रहा है $1,00,000 रोकने में आ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि सामने से आने वाली मिसाइल को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको एक से ज्यादा तामीर मिसाइल भी यहाँ पे फायर करनी पड़ सकती है। इसीलिए खर्चा हो गया इनका कि ईरान का जो खर्चा था उसकी तुलना में इजराइल का जो खर्चा आया था उस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए वो ऑलमोस्ट 5 to 10 times का खर्चा आया था। इनफैक्ट आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इजराइल का 5 to 10 times ज्यादा हुआ है। भी जो मिसाइलें हैं जो कि सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उनमें एक मिसाइल को फायर करने का जो खर्चा है $2 मिलियन मतलब तभी सभी लोग इस टाइप के लेजर में जा रहे हैं। खर्चा केवल एक मिसाइल को फायर करने में आ जाता है। जब ये सब देखने को मिला तो बहुत सारे सवाल उठने लगे भारत में। सबसे पहले कि क्या भारत के पास भी ऐसा अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम मैंने ही पूछा था सबसे पहले हमारे पास ऐसा करता है तो क्या हम कैसे करेंगे, हम लोग के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है, हम कर नहीं सकते इतना एरिया बहुत ज्यादा खर्चा आता है भारत को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जो पहला सवाल है इसका आंसर बड़ा सिंपल है, यस इंडिया के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है। इसमें दो तरह के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो हमने जो रशिया से S-400 सिस्टम को अक्वायर किया है क्योंकि लिमिटेड है उसमें आयरन डोम की तरह ही काम करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये काफी महंगा पड़ता है। इसके बाद इंडिया के पास आकाश मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है जो कि अगेन सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी काफी महंगा पड़ता है लेकिन S-400 जितना महंगा नहीं पड़ता है। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें काफी कॉस्टली पड़ती थी इसीलिए दूसरा सवाल आता है कि क्या जो हम लोग यहाँ पे अटैक करते हैं अब लेजर क्या हम लोग उसको किसी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। और यहीं पर आता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड दुर्गा 2 लेजर वेपन जो कि हमारी DRDO के द्वारा दोस्तों बनाया जा रहा है। दुर्गा 2 की बात करें ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड। मैं तो दुर्गा 2 भगवान जी का दुर्गा सोच के बैठी थी, लंबे अरसे से बनाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, DRDO के द्वारा उनकी एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है जिसका नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज जिसका नाम है CHESS। DRDO ने उसके थ्रू एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी जारी किया है जिसमें कि उन्होंने जो भी पार्टिसिपेट इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनवाइट किया है कि आप भी इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिकॉज DRDO एक लार्ज एपर्चर बीम कंट्रोल सिस्टम को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है फॉर अ हाई पावर लेजर बीम जिसका कि अल्टीमेटली DRDO बेसिकली अपने लेजर वेपन में ही इस्तेमाल करने वाला है। और यहीं पर जो दोनों सवालों का जवाब वो आंसर किया गया था कि इंडिया जो है वो चाइना पाक को काउंटर करने के लिए बेसिकली इस तरह के लेजर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। इवन दो हमारे पास S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है, अरे कितने हैं उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन वो बहुत महंगा है एंड नंबर टू ये कई बार देखने को मिलता है कि सामने से आने वाली मिसाइल को S-400 प्रिसाइजली काउंटर नहीं कर पाता है। और इसीलिए DRDO अपने खुद के लेजर वेपन को बनाने में लगा हुआ है सो दैट इसमें जो प्रिसीजन है वो भी DRDO को कंप्लीट कब तक बनेगा यार देखने को मिले। अगर हम लोग इस दुर्गा 2 वेपन की एनर्जी की बात करें तो बताया जाता है कि ये 25 किलोवाट का लेजर बीम है जो कि सामने से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी मार गिरा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं जो रेंज है इसको 100 किलोमीटर तक भी लेकर जाने की बात कर रहे हैं जिससे कि दूर से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको भी यहाँ पर मार गिराना पॉसिबल हो सकेगा।
सो यस, बेसिकली डीआरडीओ अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लेजर वेपन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि आप सामने से आने वाली जो महंगी महंगी मिसाइलें हैं उसको भी डॉलर में खत्म यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक दूसरे के उड़ाएंगे। बताना चाहूंगा डीआरडीओ अकेला नहीं है इसमें, इसके जस्ट पहले आज से एक महीना पहले की बात है, यूके ने भी अपने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ड्रैगन फायर। और उसमें भी यूके ने इस लेजर वेपन के बारे में बताया था कि इस एक सिंगल लेजर वेपन से हम लोग ड्रोन को मिसाइल $13 की बोल रहे हैं, एंड इंटरेस्टिंगली जो बना लिया है ना खर्चा आता है दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल पिज्जा। यूके ने यहां बताया कि हम लोग केवल $13 में आगे बढ़ गए ना यूके वाले, ये चक्कर था, सबको शॉक लगा था यूके कैसे बन गया लेजर वेपन, जिससे कि सामने से आने वाली लाखों करोड़ों की मिसाइलों को मात्र $13 में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यूके ये कहता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत पिन पॉइंट है, 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक सिक्का भी रखा जाए तो उसको भी हम लोग इस वेपन के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल यूके नहीं दोस्तों, अमेरिका ऑलरेडी ऐसे लेजर वेपन को इस्तेमाल कर चुका है, डेवलप कर चुका है, जिसका नाम है हीलियोस। ये वाली जो आप शिप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमेरिका का हीलियोस वेपन है जिसकी 60 किलोवाट की देखने को मिलती है। और इससे भी अमेरिका अगेन दूर से आने वाले चाइना का भी बताओ, चाइना का क्या है करने की क्षमता रखता है। USA अब इजराइल को पैसा दे रहा है जो कि ऑलमोस्ट $1.2 billion है, जिससे आयरन बीम लेजर वेपन को डेवलप कर सके। 100 वॉट को अगर इजराइल के ऊपर और हमले होते हैं किसी और 100 वॉट का बनाएंगे वो, इजराइल को इतना ज्यादा खर्चा यहाँ पे ना आए, क्योंकि फिलहाल यूएसए का पैसा बेहतर जब इजराइल को बचाना पड़ रहा है। ऑल इन ऑल बेसिकली क्या है, लेजर वेपन ही वॉरफेयर का फ्यूचर होने वाले हैं, एंटी मिसाइल वॉरफेयर का, एंटी ड्रोन वॉरफेयर का, और इसीलिए अलग अलग देश इस पे काम कर रहे हैं, एंड इसीलिए डीआरडीओ भी जो इस पे काम कर रही है वो बहुत ही नोटवर्दी है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने दोस्तों 2023 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हैं जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, आपको 1:1 मेंटरशिप और रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स भी अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हैं, आपके मन में किसी प्रकार की भी शंका है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी, आपको काउंसलिंग दी जाएगी और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। भाई कमाल की न्यूज़ है इसमें, इन्होंने यूएसए का तो बता दिया कि है उनके पास और 60 किलोवाट की है उनकी पर, और इसराइल को यूएसए पैसे दे रहा है ताकि वो भी बनाएं, पर वो बनाएंगे 100 किलोवाट वाला, उससे भी ज़्यादा ताकतवर। पर चाइना का नहीं बताया, मुझे चाइना का भी पता करना था उनके पास कौन सा है, वो कर चुके हैं यूज़, क्योंकि यूएसए तो कह रहे हैं यूज़ कर चुका है, यूके जो है वो बना चुका है, उसने टेस्ट उस कर लिया है, पर अभी वो एक्चुअल में यूज़ वूज नहीं हुआ है। देखिए यूएसए के पास ऑलरेडी है, मगर यूके ने जो बनाया था उसकी प्रिसीजन बेटर थी। हाँ, वो तो यूके वाले ये बता रहे थे कि हमने जो बनाया है वो इतना प्रिसाइज है जो 1 किलोमीटर तक कॉइन उड़ा सकते हैं, तो उसने ये दिखाया था कि हम इतने प्रिसाइज हैं। हो सकता है यूएसए का भी इतना प्रिसाइज हो, नहीं और लोगों का इतना प्रिसीजन नहीं है। अच्छा चलो, तो पता नहीं, तो यूके ने कमाल के, मगर सभी कंट्रीज के पास चाइना का नहीं बताया। और चाइना का भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत के लिए तो मेन चाइना है, इवन यूएसए के लिए मेन चाइना ही है। अब कितनी जल्दी हमारा बनता है दुर्गा 2, क्योंकि अगर यूएसए के पास भी और चाइना के पास भी है तो हमें भी बहुत जल्दी बना के रेडी हो जाना चाहिए अपना वाला। और मुझे लग रहा है हमारा सबसे सस्ता होगा, कॉस्ट इफेक्टिव तो चाहिए, सबसे सस्ता। भाई सस्ती चीज हम ही बना सकते हैं, जितनी सस्ती हम बना सकते हैं वो कोई नहीं बना सकता। चाहे यूके ने $13 का किया तो हमारा जब बनेगा तो $3 का बन रहा है। और सभी को पता चल रहा है कि वॉर में इतना पैसा बहता है तो बहुत जरूरी है कि लेजर यूज हो। हाँ, उससे पैसे तो बचेंगे, चाहे बनाने में पैसा लग रहा है पर उसके बाद जो उसको यूज करके जो करोगे तो उससे पैसा उतना ही, उससे ज्यादा ही बच जाएगा। पर कमाल है यार, अपना भी बन रहा है, पर प्लीज लिखो कब बनेगा, कब रेडी होने वाला है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।